हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और आज मैं इस वीडियो में एक बात बोलने वाला हूँ मनोज जी भैया को लेके, और बहुत ही आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा बात है ये। क्या है ना, देखो ये थोड़ा हिंदी कम बोल पाती है बंगाली। मैंने आपको जैसे कि बताया था कि बंगाल में रहती है तो बंगाली है, हिंदी कम बोल पाती है। तो हम मनोज भैया, मतलब मनोज सर के बारे में वो बात बोलना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगा, और बहुत अच्छा उन्होंने बोला। उन्होंने बोला कि कभी भी वीडियो पे व्यूज ना पड़े या कभी लाइक ना हो, लाइक ना करे तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए, वीडियो बनाना चाहिए। क्या होता है ना कि इंसान छोटे से ही बड़ा बनता है। मनोज सर भी आज इतने बड़े मुकाम पे है, उनका भी यही था। स्टार्टिंग में बहुत उनके साथ दिक्कत हुआ, लेकिन आज इतने अच्छे मुकाम पे है, भगवान करे इससे भी अच्छे मुकाम पे वो जाए। हम उनके लिए दुआ करेंगे भगवान से। और बस यही बात बोलना चाहूँगा आप लोगों से कि प्लीज़ थोड़ा हम लोगों का सपोर्ट करें, और हम भी हार नहीं मानेंगे, हम भी वीडियो बनाते रहेंगे जब तक हम कुछ लाइक ना बन जाए। तो बस यही बोलना चाहते थे, और कोई बात नहीं। और मनोज भैया का बहुत बहुत थैंक यू मोटिवेशन जो उन्होंने हमारे को, मतलब अपने वीडियो के माध्यम से बहुत ही, मतलब सबको बहुत ही अच्छा वीडियो बना के वो समझाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है उनका वीडियो। हर एक वीडियो ही बहुत समझने का मतलब होता है, और जो समझता है वो आगे बढ़ता है, और जो नहीं समझता है उनके बाद तो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। क्योंकि कभी भी किसी को देख के जलना नहीं चाहिए, और ना किसी को देख के हिम्मत हारना चाहिए। हमें जैसे भी है हिम्मत, मतलब अपने आप में बना के रखना है। नहीं आ रहा है आज, कोई बात नहीं, आज नहीं आएगा, 2 दिन पहले भी नहीं आया, आज भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, लेकिन आएगा ना, कुछ टाइम ऐसा आएगा तो आएगा अपने आप ही, जिस टाइम में और मतलब होना होता है हो ही जाता है। तो बस अपना काम क्या है कि हिम्मत नहीं हारना, आगे बनाते रहना जब तक और हम कुछ लाइक ना हो जाए। और मनोज भैया के लिए थैंक यू, बहुत बहुत बड़ा थैंक यू। बहुत मतलब अच्छा लगता है मनोज भैया। हमारा हिम्मत ऐसे भी टूट गया था, हमारे वीडियो पे इतना व्यूज लाइक नहीं पड़ा, ना सब्सक्राइबर है हमारा, इतना हिम्मत हमारा बहुत टूट गया था। बट उनका वीडियो देख के दोबारा से हमारे अंदर एक नया जुनून और दोबारा से एक नया वीडियो बनाने का कीड़ा जगा, और उसको हम कभी शांत नहीं होने देंगे जब तक हम कुछ लाइक ना बन जाए। लेकिन मनोज भैया बहुत अच्छा वीडियो, मतलब ये सब समझाने के लिए छोड़ता है, बहुत ही अच्छा लगता है उनका वीडियो। और आगे भी ऐसे ऐसे वीडियो बना के छोड़ते रहे तो क्या है ना, जो नए नए यूट्यूबर हैं वो सबके मन में भी उम्मीद जगेगा, और अच्छा लगता है बहुत वीडियो। ठीक है दोस्तों, बस यही बात है कि मनोज सर का जो वीडियो आप लोग भी देखा करो, बहुत अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। और मनोज सर है, आगे भगवान करे और भी आगे बढ़े। और उनकी बातों से आज हमारे अंदर दोबारा जुनून आया कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे, दोबारा वीडियो बनाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बस आप लोगों से भी यही कहूँगा, मनोज भैया का सपोर्ट करो, और थोड़ा हमारे पे भी अपना प्यार दुलार जो होता है थोड़ा हम लोगों को भी दो। ठीक है, इसी के साथ ही इस ब्लॉग से अलविदा।